सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद को लेकर जहां किसान दरदर की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं मंडी में एजेंसी अधिकारी नहीं पहुंचने पर सरसों की सरकारी खरीद भी नहीं हो पाई। खरीद को लेकर आढ़तियों पर शर्तें थोपने और अन्य अनियमितताएं बरतने पर हैफेड जीएम का तबादला भी कर दिया गया, जिसके बाद आढ़तियों द्वारा सरकारी खरीद का बहिष्कार को वापस ले लिया गया। इस दौरान मंडी पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामकिशन शर्मा ने सरकारी खरीद जल्द शुरू होने का दावा तो किया, तो वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सागवान ने किसानों की खरीद के लिए लगाई शर्तों को लेकर किसानों के साथ धोखा देने का आरोप भी जड़ दिया। यहाँ दो तीन दिन से हमारे व्यापारी भाई बड़े परेशान थे, दुखी थे। यहाँ जो डीएम था एफएड का, उसने अपनी मर्जी से कुछ कानून बना लिए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया था, बहुत समूचली सारी बात हुई थी, परंतु यहाँ लोकल अपनी मर्जी के कानून बनाने के कारण हमारे व्यापारियों को तंग किया जा रहा था। एक एकड़ में 6.5 क्विंटल सरसों की बात करते हैं, अब 6.5 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। एक कारण है बेरा से, ये बैठे जाने के बेरा सरसों की हो सके नहीं। एक क्विंटल में 12, आपके एक एकड़ में 12 क्विंटल सरसों कम से कम हो रही है। 5.5 कहाँ ले जाएंगे वो, 5.5 कहाँ ले जाएंगे। और ये यार, एक दफ़ा एक किसान के पास, जब एक किसान मेरे पास था, उसने 12 एकड़ में सरसों बो रखी है। 12 एकड़ में 12 × 12 144 क्विंटल उसकी सरसों हो जाएगी, और वो बोल ले सिर्फ 25। वही किसानों का ये कहना है कि दूसरे दिन भी सरकारी खरीद नहीं शुरू हो पाई, जिसके चलते फसल को बेचने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खरीद खातर जो सरकार ने शेड्यूल तैयार किया था ना, उसके लिए हमारे गांव फतेहगढ़ गांव में हमारे गांव का नंबर अभी आया नहीं है, और बोल रहे हैं कि यह गिरदावरी की रिपोर्ट जो है यह देनी पड़ेगी, क्योंकि कागज कटवाया है समझी ज्यादा। मैं पटवारी ढूंढता फिर हूँ, पटवारी मिल नहीं रहा है, काफी बार फोन कर लिया, फोन नहीं उठा रहा। जो पहले वाला अग्रीमेंट था उसमें से 80% जो इनने शब्द लिख रखे थे वे हटा दिए गए हैं, सरल शब्द उसमें शामिल कर दिए। इससे सारे आढ़ती आपस में मीटिंग करके आज को सहमत हो गए हैं। दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।